नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। न्यूयॉर्क में अब से दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक स्टेट असेंबली में इसके लिए बिल पारित हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि गवर्नर केथी इस बिल पर साइन कर देगी। इससे न्यूयॉर्क में रह रहे 2 लाख से ज्यादा परिवार को बेहतर तरह से त्यौहार मनाने का मौका मिलेगा। मेयर ने कहा, मुझे खुशी है कि दिवाली पर छुट्टी घोषित करवाने की इस लड़ाई में मैं लोकल कम्युनिटी और असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार के साथ खड़ा रहा। इसी के साथ उन्होंने ट्विटर पर शुभ दीपावली भी लिखा। गवर्नर के साइन के बाद ये बदलाव सभी स्कूलों में लागू होगा। इस साल दिवाली 12 नवंबर यानी रविवार को मनाई जा रही है, इसलिए इस साल के कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी से जुड़ा ये बिल असेंबली मेंबर जेनिफर राजकुमार ने पेश किया था। मेयर एडम्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि मैंने न्यूयॉर्क के लोगों की तरफ से इस लड़ाई की शुरुआत की और इसे जीता भी। एडम्स ने कहा, यह फैसला उन लोगों के लिए एक मैसेज है जिन्हें न्यूयॉर्क में रहकर ऐसा महसूस होता है कि यह उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा। न्यूयॉर्क सबके लिए बना है और यह हर किसी को अपनाया जाता है। इससे पहले अमेरिका में 25 मई को निचले सदन की सांसद ग्रेस मैंग ने दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने संसद में एक बिल भी पेश किया था। इस बिल को दिवाली डे एक्ट नाम दिया गया था। बिल के तहत दिवाली को अमेरिका में 12वीं सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की गई थी।